नैपकिन बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। इस आग पर काबू पाने में दमकल विभाग के पसीने छूट गए। 10 घंटे से लगातार फायर ब्रिगेड की 2 दर्जन गाड़ियों के जरिए इस भीषण आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। सीनियर दमकल अधिकारी रामकुमार खटाना ने बताया कि फैक्ट्री में हुए अवैध निर्माण के कारण बचाव कार्य में उनकी टीम को काफी रुकावटों का सामना करना पड़ा। दमकल अधिकारी रामकुमार ने बताया कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र में चल रही इस फैक्ट्री की फायर NOC और फायर सेफ्टी उपकरणों की भी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली के ट्रांसफार्मर में हुए धमाके से आगजनी शुरू हुई। करनाल के अलावा इंद्री, नीलोखेड़ी, त्रावड़ी और घरोंडा से दमकल विभाग की गाड़ियां मंगवाई गयी। उन्होंने बताया भी यहाँ एक धमाका हुआ है ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर में धमाके की वजह से एकदम से अंदर कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसकी वजह से आग लगी है। इन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी और हमारी गाड़ी तुरंत पहुँच गई। ये लोग 2-3 मिनट में यहाँ पे इन्होंने लगातार वो कंट्रोल कर रहे हैं आग को। लगी सुबह से लगे हुए हैं, कितनी गाड़ियाँ अब तक आई हैं? लगभग 20-25 गाड़ियाँ आई हुई हैं। 2 गाड़ी पानीपत से मंगाई है हमने, 2 फायर टेंडर हमने कुशेत्र से मंगाई है और पूरे डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियां यहाँ लगी हुई है। तो कई घंटे बीत चुका है, अभी क्या स्थिति है, कितना कंट्रोल हो चुका है? काफ़ी कंट्रोल है स्थिति, लेकिन अंदर आग अभी सूझ रही है, टाइम तो लगेगा। तो वजह क्या है, वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रही गाड़ियाँ या अपने फायर टेंडर वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे? फायर टेंडर तो पहुँच रही है, बिल्ली के अंदर घुसने की जगह नहीं है ना, फैक्ट्री तो पहुंची है। अच्छा, फैक्ट्री में वैसी व्यवस्था नहीं है कि जा सके वहाँ? वो अंदर जहाँ आग लगी हुई है वहाँ अंदर घुसने का रास्ता नहीं है ना। आगे आग लगी हुई है, ग्राउंड पे भी है, फर्स्ट पे भी है, सेकंड पे अंदर गोदाम है। तो फैक्ट्री में आपको प्रबंध थे कुछ फायर फाइटिंग के? ये नहीं, अभी देखो सामने तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये जाँच अभी जाँच का विषय है। ये कोई NOC वगैरह डिपार्टमेंट से ली हो? नहीं देखो, ये जांच करनी पड़ेगी अभी। अच्छा, तो जिस तरह से बात आई है कि कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन थी वो बाधा बनी है उसकी? हाँ, अनऑथराइज्ड होता है, बिल्डिंग ऐसी है अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। तो जिस तरह माल के नुकसान तो हुआ है, किसी तरह के कर्मचारी को किसी तरह दिक्कत? नहीं, कोई कर्मचारी इंजर्ड नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, माल का तो नुकसान है। तो जिस तरह से एक लापरवाही अभी प्राथमिक दृष्टि से सामने आई है, क्या फैक्ट्री मालिक गंभीर नहीं थे इस तरह हाथ चुकले? देखिए, इस चीज की जांच कराई जाएगी।